साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं देश की कुछ खास खबरों पर। राजस्थान के एक मतदान केंद्र पर बुधवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक देवली उनियारा निर्वाचन क्षेत्र के एक निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीना ने SDM को थप्पड़ मार दिया और इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। यह घटना समरवता मतदान केंद्र की बताई जा रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नरेश मीना मतदान केंद्र में घुसते हैं और चुनाव प्रोटोकॉल की निगरानी के लिए ड्यूटी पर मौजूद SDM अमित चौधरी को थप्पड़ मार देते हैं। इसके बाद पुलिस उन्हें रोक लेती है। पूर्व कांग्रेस नेता नरेश मीना के निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े जाने के कारण पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था, क्योंकि पार्टी ने देवली उनियारा उपचुनाव के लिए उनकी जगह कस्तूर चंद मीना को उम्मीदवार बनाया था। भारत आदिवासी पार्टी द्वारा समर्थित मीना के स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के निर्णय ने उपचुनावों में संबंधित वोट विभाजन को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ और BJP शासित राज्यों की सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि किसी के सपने के आशियाने को तोड़ना अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी के मकान को गिराने को गलत बताते हुए साफ किया कि इस तरह का फैसला किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर सकती है और न ही वह खुद न्यायाधीश बनकर किसी आरोपी की संपत्ति को ध्वस्त करने का फैसला कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि सरकार का यह रवैया बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अधिकारी अपने मनमान ढंग से कार्य नहीं कर सकते। बिना किसी सुनवाई के किसी को आरोपी नहीं करार दिया जा सकता। जस्टिस गवई ने अपने आदेश में कहा, हर व्यक्ति के दिल में अपना घर होने की चाहत होती है। घर किसी के परिवार सुरक्षा की सामूहिक उम्मीद है। क्या कार्यपालिका को किसी आरोपी व्यक्ति के परिवार की सुरक्षा छीनने की अनुमति दी जा सकती है? यह हमारे सामने सवाल है। बिहार की राजधानी पटना के आसरा गृह में खिचड़ी खाने से दो लड़कियों की मौत हो गई, जबकि 9 लड़कियों को गंभीर हालत में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने ADM के नेतृत्व में जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। पहली लड़की की मौत 7 नवम्बर को हो गई थी, वहीं दूसरी लड़की की मौत 10 नवम्बर को हुई। घटना के बाद आसरा गृह में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सुबह सभी लड़कियों ने खिचड़ी खाई, जिसके बाद सभी एक के बाद एक बेहोश होने लगी। आनंद फानन में लड़कियों को PMCH में भर्ती कराया गया। PMCH में भर्ती सभी लड़कियों के पेट खराब थी, उन्हें उल्टियां हो रही थी और बार बार बेहोश हो जा रही थी। वहीं PMCH में लड़कियों की देखभाल के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से 4 काउंसलर को रखा गया है। घटना के बाद पटना जिला प्रशासन ने जांच टीम का गठन किया। ADM के नेतृत्व में गठित जांच टीम की प्रथम दृष्टया में एजेंसी की गड़बड़ी सामने आई है। जिलाधिकारी पटना ने जांच रिपोर्ट के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के पहले चरण के लिए आज मतदान हो रहे हैं। पहले चरण में राज्य की 43 सीट पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। वोटिंग शाम 5 बजे तक होगी। राज्य के लगभग 1.37 करोड़ मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 बजे तक 59.28% से अधिक वोटिंग हो चुकी है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक बुधवार को पहले चरण में 43 सीटों में बहरागोंडा में सबसे अधिक वोटिंग हुई है। यहां अब तक 70.10% मतदान हुआ है। सिमडेगा में 64.78% मतदान हुआ है। वोटर टर्नआउट ऐप पर जारी निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 3 बजे तक 59.28% से अधिक मतदान हुआ है। रोहेलखंड में कोहरे ने दस्तक दे दी है। बरेली समेत मंडल के चारों जिलों में बुधवार को सीजन का पहला घना कोहरा छाया रहा, जिसका असर यातायात पर देखने को मिला। बुधवार तड़के 4 बजे से कोहरा छाने लगा, जब लोगों की नींद खुली तो बाहर घना कोहरा देखने को मिला। बरेली में दृश्यता 30 से 40 मीटर तक सीमित रही, जिससे वाहनों की रफ्तार कम हो गई। वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ा। शहर में कोहरे का असर सुबह 9 बजे तक बना रहा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 10 बजे के बाद तक कोहरा बना रहा। वहीं पछुआ हवा चलने से ठंड बढ़ गई है। सर्दी से बचाव के लिए लोग गर्म कपड़े पहनने लगे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में सुबह के वक्त घना कोहरा छा सकता है। साथियों, हमारे ये बुलेटिन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, पेज को फॉलो करें। यदि वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।